छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भूला हो। और चलिए सीरीज बड़ी खबर आ रही बेमेतरा से, जहां पर 7 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी ट्रक चालक झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। बेमेतरा पुलिस ने जबलपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई। जिस तरह से पुलिस की जो सतर्कता देखने मिली इस पूरे मामले को लेकर, एक बार फिर से पुलिस की सक्रियता पर एक बार फिर से आज न्यूज सलाम करता है। और इस पूरे तमाम जानकारी को लेकर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बेमेतरा TI राजेश मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज न्यूज पर। एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू आपको। हाँ सर, क्या कुछ है मामला, कैसे आखिर आरोपी को दबोचे है? ये मामला ये है कि एक नाबालिग बच्ची है, उसका जो है ट्रक ड्राइवर नेशनल हाईवे में ट्रक ड्राइवर है, वो रात के समय में अपहरण करके ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म करके उसको छोड़ दिया था। तो इस मामले में कि कोई मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बेमेतरा के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उनके मार्गदर्शन में दिशा निर्देश में कार्रवाई किया जा रहा था। और इस आरोपी तक, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला था और ब्लाइंड था, नेशनल हाईवे है, इसमें हजारों गाड़ियां गुजरती हैं रात के समय में, तो काफी प्रयास करके हमने जो है बहुत सारे CCTV फुटेज है और साइबर है, उसकी मदद से हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी विवेचना की थी, लोकल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया था। और अभी कल दिनांक को आरोपी ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया है, आज उसको माननीय न्यायालय उसको पेश करेंगे। क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है सर, क्योंकि लोगों में आक्रोश थी इस पूरे मामले को लेकर? ये वैसे आक्रोश की बात नहीं है, मामला काफी संवेदनशील था और ब्लाइंड था, बिल्कुल भी आरोपी बहुत ही इसमें किसी प्रकार का क्लू नहीं था और नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे है ये, इसलिए काफी गाड़ियां चलती हैं, इसमें बहुत ही मुश्किल काम था, जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में जो है टीम के द्वारा जो है आरोपी को पकड़ लिया गया है और काफी प्रयास के बाद जो है और उसको अभी अरेस्ट करके हम न्यायालय में रिमांड पेश कर रहे हैं। जी सर, इस पूरे कार्रवाई में कहां-कहां से सहयोग मिला, कौन कौन से पुलिस से आपको सहयोग मिला है ये भी जानना चाहेंगे। ये हमारे जिले का एक टीम गठित हुआ था जिसमें कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर सेल जो है वो अलग से काम कर रहा था, वहां पर हमने घटना स्थल और आसपास के जिलों से लेकर के पूरे मार्ग का पूरा हमने डंप लिया था, उसका विश्लेषण, लाखों नंबरों का विश्लेषण किया गया था, CCTV फुटेजेस हैं जो हमने कवर्धा और बॉर्डर से लेकर के हमारे बेमेतरा और सिंगा मार्ग तक कम से कम 250 CCTV फुटेजेस हैं जिसमें हमने उसको चेक किया था। इसके अलावा लोकल इंफॉर्मेशन में हमने गांव के आसपास और गांव में हमारी एक टीम जो है लगातार उसमें प्रयास करती रही कि किसी प्रकार का लोकल जो जानकारी है हमको वो मिल पाए, और इस प्रकार से मतलब संयुक्त रूप से हमने प्रयास किया और उसमें हमको सफलता मिली। चलिए सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि सक्रियता से एक बार फिर से ये बड़ा मामला सुलझ गया और जो आरोपी है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यानी कि 2 जून को घर से बाहर नानी के साथ सो रही थी 7 साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म किया गया था। वहीं गांव से 25 किलोमीटर दूर बेहोशी की हालत में बच्ची की शव मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके नहीं पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। लोगों की ये आवाज थी कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस लगातार टीम बनाकर छानबीन में जुटी रही और आखिरकार पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल उसके इतना ही, तब तक लिया देखते रहे RJ न्यूज़।